दोस्तों, आईपीएल 2023 में धनुष सनन का अनसोल्ड के जाने के बाद भी इस साल आईपीएल खेलते हुए नजर आने वाले इस वक्त जो इंडिया और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज चले, इस टी20 सीरीज में बेहतरीन फॉर्म के चलते दो आईपीएल फ्रेंचाइज जिनकी पर निगाह बन रखे, तो आज के इस वीडियो में बताने वाले कौन सी दो फ्रेंचाइज टीम इन्हें अपनी टीम में शामिल कर सकते, तो उस वीडियो को पूरा अंत तक बन रहे। तो आप भी आईपीएल के बड़े वाले फैन हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पहले वाले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें, तो आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो फ्रेंड, आपको क्रिकेट और आईपीएल की खबर सबसे पहले पहुंचा दे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है, तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करें। तो वीडियो में बढ़ते आगे, जो पहली टीम के ऊपर निगाह बना के रखी है वो राजस्थान रॉयल। राजस्थान रॉयल ने इस ऑप्शन में एडन जाम्पा को 1.5 करोड़ में खरीदे हुए थे। कुछ पर्सनल रीजन चलते इस साल आईपीएल खेलने नहीं आ सकते, तो उनके रिप्लेसमेंट तौर पर हमें धनुष सनन का देखने को मिल सकते हैं। जो दूसरी टीम रहने वाली वो जो उनके ऊपर निगाह बना के रखी है वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल रोड एक्शन चलते तो इस आईपीएल में खेलने नहीं आए, तो उनके रिप्लेसमेंट तौर पर धनुष सनन का देखने को मिल सकते हैं। तो आपकी क्या राय, धनुष सनन का कौन सी टीम में खेलना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हो।